करती है उसको कोई दवा के डर होगा तब से सही होगा। दवा खिला के तुरंत सुला दीजिएगा, नहीं तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा और सो जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि दर्द अभी बहुत तेज़ बढ़ने वाला है। और दवा हम खिला दिए हैं, गाड़ी में ही दवा खिला दिए थे, तो अभी इनको हम बोले सोने के लिए, तो आप सो जाइए और हम चल रहे हैं बैठ के रखाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम गोरखप्रिया भौजी गोर छुके गोर लागत नी, और सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम बा और हम जा रहा बानी हॉस्पिटल। तो आप लोग पूछम कि हॉस्पिटल भाभी कहाँ जाता रही, तो हम लोग से बतावल चाहता नहीं कि हॉस्पिटल जाता नहीं अपने महादेव जी के लेके। और महादेव जी के दांत में बहुत ज्यादा दर्द बा, बहुत ज्यादा ही दर्द बा, तो इनकर दांत आज उखड़वाए, इनके खोड़ा बनाई, अभी टीका उका लगा ले, टीका उका इनके लगा दी, तो चिल्ला ना इनके नजर न लगे, नजर ना आए तनिक बार। और कैसा लग रहा है, कर कैसा दर्द से लड़ने जा रहे, सुनिए ना कैसा लग रहा है, सब लोग चले गए घर, कैसा लग रहा है, सुना 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 लग, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे भी स्कूल चले गए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग निकलते हैं हॉस्पिटल, वहाँ का अगर देखेंगे थोड़ा सा व्यू तो दिखा देंगे आप लोगों को। बाकी आप लोग समझदार हैं, प्यार दुलार देते रहिए भौजाई को। तो फाइनली फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि हम आ गए घर पे, और ये रहा इनका पूरा दवाई का पर्ची, और ये रहा दवाई, ये देखिए दवाई, ये हमारे दवाई का पर्ची है, ये इनके दवाई, इनका दवाई, ये देखिए आप लोग, ये दवाई है इनका, तुरंत खिलाया गया है इनको दवा। और इनका देखिए दांत जो है उखड़ा गया है, इनका मुँह जो है सूज चुका है, इनको बोलना मना है। और एक खुशखबरी है, इनको डॉक्टर ने चाय पीने से मना किया है, ये देखिए दांत, एक मिनट नज़दीक से दिखाइए, एक मिनट रुकिए, ऐसे रहने दीजिए, ये देखिए इनका दांत है सोड सुद्धि, आप लोग देख सकते हैं। और इनका मतलब देखिए मुंह जो है, इधर करिए, इधर देखिए सूजना स्टार्ट हो गया है, इनको बोलना मना है, कुल्ला करना मना है, थूकना मना है, चाय पीना मना है, मतलब 24 घंटा ये बोल भी नहीं सकते, ये भी मना है। और आप लोग समझ सकते हैं इनकी निगाहों से कैसे मुझे देख रहे हैं, ये जैसे लग रहा है हम ही किए हैं। पर कहते थे बाबू चाय ना पिया, बाबू चाय ना पिया, बाबू काहे माना, बाबू चाय पिया ले बिना रुकबा नहीं कराना, इनका पेटवा दियरा नहीं भरेला चाय भी ना। तो आपको फ्रंट कैमरे से दिखाते हैं, हाँ धर रहे हैं, दीजिए। तो आप लोग समझ सकते हैं, ये दवा पर्ची सब कुछ है, रख देते हैं, इनको दवा खिला दिए हैं। और ये देखिए इनको हम बोले सोने के लिए, ज़बरदस्ती सुला रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, सो जाइए, क्योंकि डॉक्टर बोला है दवा खिला के तुरंत सुला दीजिएगा, नहीं तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा, और सो जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि दर्द अभी बहुत तेज़ बढ़ने वाला है। और दवा हम खिला दिए हैं, गाड़ी में ही दवा खिला दिए थे, तो अभी इनको हम बोले सोने के लिए, तो आप सो जाइए और हम चल रहे हैं बैठ के रखाएँगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि घर में का कोई भी मेंबर अगर तकलीफ में रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, ख़ास करके वो मेंबर जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो, वो आपका सारा दुनिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं, बाकी भगवान भरोसे हैं, भगवान से बना रहे हैं कि दांत में ज़्यादा दर्द ना हो, क्योंकि दांत का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे पता है दांत का मैं झेल चुकी हूँ। आप लोग कहीं ना कहीं, हर घर में दांत का प्रॉब्लम सबको होता है, और आज इनका ये फाइनली जो है दांत उखड़ा गया है। और ये देखिए आप लोग दवा, हम परेशान हो गए, अब चल रहे हैं बैठ के रखाएंगे, इनको ही सुला दें हम पहले, तो बने रहिए आप लोग इस ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हेलो फ्रेंड, देखिए अभी रात हो गया है और खाने का समय है, तो ये देखिए अभी क्या कर रहे हैं मेरे महादेव जी, उठ जाइए धीरे से, हटो बेटा, हटो थोड़ा सा। और यहाँ देखिए छन छन रोटी बना के लाई है, आप लोग देख सकते हो कि आपकी प्यारी गुड़िया ने क्या बनाया है रोटी, वो भी कच्ची कच्ची रोटी बनाई है, देखिए आप लोग ये देखिए। अगर मेरा बात मैं रोटी अरे क्या कहो तेरा जान, मैं बोलता इनके कहने का मतलब ये है कि इनका अगर दांत सही होता तो ये रोटी खाते, यही ना?
तो ये बोल नहीं पा रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि दर्द बहुत ज़्यादा है दांत में, इधर का निकला है ना, तो दांत ये पूरा मुंह फूल गया है, सूज गया है, और हम समझ सकते हैं क्योंकि हम झेल चुके हैं दांत का दर्द। और अभी इनको हम जा रहे हैं खाना खिलाने के लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं घर में कोई अगर मतलब बाहर वाला भी बीमार पड़ जाता है तो आदमी टेंशन में पड़ जाता है, लेकिन ये तो हमारे अपने हैं, हमारा दुनिया है, हमारी जान है, तो आप लोग समझ सकते हैं। हमारी छनछन क्या बोलोगी बेटा छनछन के बारे, पापा के बारे में? पापा का दांत निकला गया है, पापा का दांत निकला गया, कुछ खा नहीं पाएंगे, कुछ खा नहीं पाएंगे। और अगले हफ्ते इसको भी लेके जाएंगे, डॉक्टर बोले हैं कि लेके आना बेबी को, तो मैं अगले हफ्ते इसको भी लेके जाऊंगा। नहीं अगले हफ्ते, एक हफ्ते बाद जाना है। पापा को टाका, इसमें ना दांत में 7 टाका लगा हुआ है, बहुत खतरनाक, 2 दिन बाद, 7 दिन के बाद जाना है, तो टाका लगा है, टाका जब कटवाने जाए, जब 7 दिन के बाद, पागल, 7 दिन के बाद जाएंगे टाका कटवाने, तो तुमको भी लेके जाएंगे। बस अब साइलेंट हो जा, थोड़ा सा इंट्रो तुम्हारी नहीं है। खाली गोरखपुरिया भौजी की बेटी हो। अब पापा का दांत ठीक है नहीं है तो पापा रोटी नहीं खा पाएंगे। तो कौन खाएगा ये रोटी? आप खा लो। आप नहीं खाओगे? हमको रोटी नहीं खाना है। खा ही नहीं पाएगी तो का रोटी खाएगी? तो चलिए फ्रेंड, आप लोग से मिलते हैं।